और बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में अपनी करियर को आजमा चुके अभिनेता और सिंगर बेहतरीन होस्ट आदित्य नारायण की आखिरकार शादी हो चुकी है। जी हाँ, आखिरकार शादी हो चुकी है आदित्य नारायण की उनकी लॉन्ग टर्म व्यो यानी कि श्वेता अग्रवाल के साथ। फिल्म शापित में इन दोनों को आपने पर्दे पर देखा और फिल्म शापित के बाद इनकी मोहब्बत की ये जोड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा रंग लेकर आई। जी हाँ, इन दोनों का रिश्ता फिल्म शापित के बाद ही जुड़ा और लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल तक ये दोनों साथ रहे और फाइनली ये शादी के बंधन में बन चुके हैं। खैर, शादी के बंधन में बनने के बाद श्वेता अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है, ये तो सब जानते हैं, क्योंकि श्वेता जो हैं बहुत ज़्यादा समय से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। लेकिन शादी के बाद हर लड़की की तरह श्वेता अग्रवाल भी शादी के बाद मंडप पर जो है सो सात फेरे के दौरान काफ़ी इमोशनल हुई। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि शादी के मंडप पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ भावुक भी हुई। बता दें हम आपको इसी के साथ साथ जानकारी ये भी मिली है कि श्वेता अग्रवाल जो है सात फेरे के बाद काफ़ी भावुक हुई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी वो भावुक नज़र आई हैं। विदाई हुई है, माँ पापा से गले मिलकर उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की है। शौविक के परिवार ने अपनी बहू को बेटी की तरह मान सम्मान दिया है, लेकिन परिवार के अपनाने के बावजूद फिलहाल अगर बात हो रही है यहाँ पर अपनी इस रिपोर्ट में आपको बताना चाहेंगे श्वेता अग्रवाल की, तो आप देख सकते हैं कि श्वेता अग्रवाल किस तरह से भावुक हो रही हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।